25 किलो वजन अगर गधे पर ढोना है जी, और 5 क्विंटल हाथी पर ढोना है जी, और उसका एवरेज लगाया जाए अगर खुराक के मामले में जी, तो वो हाथी जो है सस्ता पड़ेगा। भारत क्या विश्व में जी फेमस कंपनी है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले 20 साल पहले से हमारे परिवार में हमारे यहाँ पर 53-10 ट्रैक्टर, सही बताना ये बिल्कुल सही है ना, सही कहीं उसमें ऐसा ना हो कि आप जो है नहीं, क्या नहीं, होता है हमारे लिए कई बार ये होता है डीलर साहब पर्सनली कुछ रेट लगाते हैं, अपन के लिए कुछ रेट लगाते हैं, तो आप सही बताना कि क्या रेट आप। दोस्तों आज हम आए हुए हैं कृषि उत्थान केंद्र जो कि जबलपुर में स्थित है, और यहाँ पर जो है अभी यदि हम बात करें नवरात्रि धनतेरस में यहाँ पर करीब करीब 50-60 ट्रैक्टरों की डिलीवरी हुई है। उसी क्रम में जो है आज हम देख सकते हैं जॉन डियर का 50-50 डीलरशिप के ओनर साहब द्वारा जो है डिलीवर किया जा रहा है, तो इनसे जानेंगे कि इनका जो मार्केट रहा है क्या कैसा रहा। यहाँ देख सकते हैं 50-50 डी है, 4-व्हील ड्राइव, तो सर से मिलते हैं और साथ में थोड़ा सा जॉन डियर के बारे में जानते हैं और किसान भाई को जो डिलीवरी दे रहे हैं इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। जैसे कि अभी ये ट्रैक्टर जा रहा है हमने देखा, आप जो है यदि हम बताएं, बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि आपने जो है विगत वर्षों में कितना ज़्यादा धमाका मचा के रखा हुआ है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जॉन डियर की जो डिमांड है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो मतलब आप ये कैसे कर पाते हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितना ज़्यादा जो है जॉन डियर इस समय मार्केट कैप्चर करता चला जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएं। देखिए आज जो मैं जो ट्रैक्टर डिलीवर कर रहा हूँ जी, आज पाटन तहसील के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कृषक रवि नारायण जी पटेल जी, जो कि पाटन तहसील के राखी गांव में रहते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, और आप शुरू से काफ़ी कई वर्षों से और काफ़ी बड़े कृषक हैं, बिल्कुल। आपके पास 3-4 ट्रैक्टर हैं जी, जिसमें हमारे ऑलरेडी इनके पास 2 ट्रैक्टर पहले से हैं। अच्छा अच्छा। और पिछले 20 वर्षों से जॉन डियर ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो आपने तो मतलब जबलपुर में हमने देखा है धमाका मचा के रखा हुआ है, इतने ज्यादा ट्रैक्टर निकाल रहे हैं कि दूसरों को मौका ही नहीं मिल रहा। धमाका सर मैंने नहीं मचाया है, धमाका मचाया है किसानों ने, बिल्कुल, क्योंकि ये किसानों की पहली पसंद होती जा रही है, उसका एक रीजन है बिल्कुल, जॉन डियर ट्रैक्टर ले जाने के बाद जी उनको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती जी। आज जॉन डियर ट्रैक्टर हर किसान की पहली पसंद होती जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको अगर हम एक बोले कि हर किसान का एक ही सपना जी जॉन डियर ट्रैक्टर हो अपना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जॉन डियर ट्रैक्टर एक ऐसी कंपनी है जो कि US का ब्रांड है, बिल्कुल, अमेरिका का, बिल्कुल बिल्कुल, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर काम करती है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि भारतवर्ष में जी इसकी 2 फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। एक पूना में है और एक मध्य प्रदेश में है। बहुत बढ़िया। और भारतवर्ष से ट्रैक्टर बन के जी भारत में तो बिक रहे हैं जी, और बात एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं अदर का, ये ट्रैक्टर अमेरिका भी जा रहे हैं, हॉलैंड भी जा रहे हैं जी, और अदर कंट्रीज में रशिया भी जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है जी। और ये मानना चाहिए कि मतलब हम ये बोलेंगे कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मेरा जो अपना एक अनुभव है जी, पिछले 35 वर्षों में मैं ट्रैक्टर डीलर हूँ, बिल्कुल, तो आज जॉन डियर ट्रैक्टर जो पर्टिकुलर है जी, कोई भी किसान जो लेता है जी उसको ये महसूस होता है कि मैंने ट्रैक्टर लेने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं जी जी, कई लोगों की बात आती है कि ट्रैक्टर थोड़ा सा डीजल ज़्यादा खाता है जी जी जी, फिर बाद में अब लोगों का कहना हो गया है कि डीजल नहीं खाता काम ज्यादा करता है। डीजल तो देखिए ऐसा है जी, क्योंकि जो दूसरे ट्रैक्टर्स हैं जी अगर मान लीजिए 500 ग्राम या 1 लीटर डीजल कम खा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका जो एवरेज है पर्टिकुलर 1 घंटे में 1 एकड़ काम कम करते हैं, बिल्कुल। हमारा जो ट्रैक्टर है 1 घंटे में 2.5 से 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन निकालता है जी, और दूसरे ट्रैक्टर अगर मान लीजिए हम पर्टिकुलर 1 घंटे का एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल, तो 1 घंटे में हमारा 1.5 से 2 लीटर का कंजम्पशन आता है, बिल्कुल, पर एकड़, बिल्कुल। और जो दूसरे ट्रैक्टर्स हैं वो 1 घंटे में 1 एकड़ में 3-3.5 लीटर कंजम्पशन आता है जी, तो अगर हम कंजम्पशन के हिसाब से और एकड़ के हिसाब से देखेंगे तो जॉन डियर ट्रैक्टर का कंजम्पशन बहुत कम है, बिल्कुल, और एक्सपेंडिचर्स भी कम है, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी प्रकार का सर्विसिंग कराने के अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ जी कि ट्रैक्टर वो कोई भी लें, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक बार ट्रैक्टर लेने के पहले हमारी डीलरशिप जो कि कृषि उपज मंडी के सामने है, दीनदयाल चौक के पास है, बस स्टैंड के पास है, और पचोरी पेट्रोल पंप के पीछे है, मतलब ट्रैक्टर लेने के पहले इस डीलरशिप पे एक बार जरूर विजिट करें जी, और एक बार हमको सेवा का मौका दें जी, एक बार आके देखें जी कि ट्रैक्टर के फीचर्स क्या हैं, ट्रैक्टर की क्वालिटी क्या है, इसके बाद आपको जो पसंद आता है आप कोई भी ट्रैक्टर ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है जी, लेकिन एक बार विजिट जरूर करें। सर ये तो आपने बहुत सही बोला और ऐसा किसानों को करना भी चाहिए। अब हो गई सर, आपका ट्रैक्टर है, आप इसकी डीलरशिप लिए हैं, अपने ट्रैक्टर की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन मैं किसान भाई से जानना चाहूँगा जो आपके साथ हैं और जिन्होंने ये ट्रैक्टर लिया है,
तो किसान भाई से मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने ट्रैक्टर क्यों लिया है और क्या कैसी कीमत के अंदर लिया और कौन से ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये जबलपुर जिले के जिनको आज मैं ट्रैक्टर डिलीवर कर रहा हूँ जी, रवि नारायण जी पटेल और जो कि राखी पाटन तहसील के निवासी हैं। अच्छा, बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े कृषक हैं जी और बहुत ही मॉडर्न के हिसाब से खेती करते हैं जी। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि खुद ही बताएं बिल्कुल हमारे ट्रैक्टर की क्या खासियत। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो किसान भाई से ही जाएंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं रविनारायण पटेल, ग्राम राखी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर का रहने वाला। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर आपने ये जो है जॉन डियर का 50-50 डी लिया हुआ है जी। है ना दोस्तों, आप देख लीजिए 50-50 डी लिया हुआ है, लेटेस्ट मॉडल है, 50 HP का ट्रैक्टर है। तो जॉन डियर ट्रैक्टर लेने का अपना मुख्य कारण क्या रहा? बोलते क्या है कि जॉन डियर ट्रैक्टर विश्व में जी फेमस कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले 20 साल पहले से हमारे परिवार में हमारे यहाँ पर 53-10 ट्रैक्टर है, घर है, में घर पे है। मतलब 53-10 आप आज से 20 साल से चला रहे हैं। चला रहे हैं। अरे वाह जी। और उसमें नो मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है जी और काम के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो लेटेस्ट नई तकनीकी है जी इसमें आई है, तो इसलिए हमने फिर से जॉन डियर का 50-50 डी चुना है। अच्छा, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो है इसमें बदलाव होके आए हैं, इस कारण से आपने ये ट्रैक्टर लिया जी। अच्छा, आप जैसे 53-10 चला रहे हैं जी, मैंने काफ़ी किसानों से सुना है आप 20 साल से 53-10 चला रहे हैं, तो काफ़ी किसान बोलते हैं कि जॉन डियर कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डीजल लेते हैं, तो आप 20 साल से चला रहे हैं, आप अपना अनुभव बताएं। क्या डीजल लेते हैं लेकिन काम उसका ज़्यादा करके देते हैं, उस अनुपात में देखा जाए तो सबसे कम डीजल खाने वाला ट्रैक्टर है। अच्छा, जैसे हम अपनी देहाती भाषा में अगर आपको बताना चाहें जी जी कि अगर 25 किलो वजन अगर गधे पर ढोना है जी और 5 क्विंटल हाथी पर ढोना है जी और उसका एवरेज लगाया जाए अगर खुराक के मामले में जी, तो वो हाथी जो है सस्ता पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो काम करके देता है। बिल्कुल, इसलिए जॉन डियर ट्रैक्टर मुकाबले दूसरे ट्रैक्टरों के ये सस्ता है जी, डीजल खाने के मामले माइलेज के मामले में जी। डीजल मतलब जो आप चला रहे हैं 20 साल हो गए आपको, तो देखा दोस्तों किसान भाई ने जो फीडबैक दिया ना, 53-10 ये 20 साल से चला रहे हैं, आज से नहीं चला रहे, और इनका जो कहना है जॉन डियर का जो ट्रैक्टर है वो बहुत सही माइलेज देता है, डीजल कंजप्शन करता है तो काम भी करके देता है। अच्छा, जैसे बात करें अपन अभी आप जैसे चला रहे हैं तो घंटे में कितना डीजल लगभग खाता होगा? घंटे में लगभग 4.5 से 5 लीटर है ना, और कितने एकड़ करीब रोटरी कर देता है? 2 एकड़ कम से कम करके देता है। मतलब बहुत सही है, मतलब वैसे देखा जाए तो यदि अपन देखें तो 1 एकड़ में 2.5-3 लीटर ज्यादा से ज्यादा है ना, और ट्रैक्टरों की अपेक्षा जो कि काफी कम है। कम है या कम जी। अच्छा, बात करेंगे सर हम मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस कैसा लगा? मेंटेनेंस के मामले में तो कहीं से कोई लीकेज नहीं है जी, इंजन के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है जी, और मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। आपने ये जो है जॉन डियर का 50-50 डी अब जो है फोर व्हील ड्राइव लिया हुआ है, तो फोर व्हील ड्राइव आपने क्यों लिया, टू व्हील भी ले सकते थे? क्या है, टू व्हील में कैच व्हील लगाना पड़ता है जी जी, जनरल अगर रोड का काम पड़ता है तो कैच व्हील लगाने में रोड में चलना बहुत दिक्कत हो जाती है। जी जी, इसलिए और जमीन जो है दिनों दिन रासायनिक खादों के कारण टाइट होते जा रही है जी, और अब ज्यादा ताकत की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस कारण से जो है फोर व्हील का चुनाव किया हुआ है। अच्छा, तो वर्तमान समय की डिमांड के हिसाब से हमारे जो किसान भाई हैं इन्होंने फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लिया हुआ है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है जिसके लिए मेरी ऑडियंस वेट कर रही है, आपने जैसे 50 HP का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लिया है तो कितनी कीमत के अंदर आपने ट्रैक्टर लिया होगा? कीमत 9,50,000 रुपए है। सही सही बताना, सही है, बिल्कुल सही है ना, सही कहीं उसमें ऐसा ना हो कि आप जो है नहीं, क्या नहीं, होता नहीं। है हमारे लिए कई बार ये होता है डीलर साहब पर्सनली कुछ रेट लगाते हैं, अपन के लिए कुछ रेट लगाते हैं, तो आप सही बताना कि क्या रेट आपने लिया? 9,50,000 रुपए है ना, 9,50,000 रुपए नगद कीमत के साथ आता है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो है जॉन डियर का 50-50 डी है, फोर व्हील ड्राइव के साथ में आता है, 50 HP का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाता है। सबसे बड़ी बात करेंगे इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में अब जॉन डियर अपने हर एक ट्रैक्टर में प्लेनेटरी रिडक्शन टाइप रियर एक्सल देता है, जो कि हर एक ट्रैक्टर में देने लगा है, वो चीज़ इस ट्रैक्टर में है। इस ट्रैक्टर की और भी वीडियो लाएंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।